ऐसी और स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तन्मय अग्रवाल। हमारी वीडियो सीरीज स्टोरिस्तान किस्से कामयाबी के मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अविनाश ग्रुप के MD आनंद सिंघानिया जी से। आपको बताना चाहते हैं कि लगभग 25 साल पहले 2 एकड़ से कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करने वाले आनंद सिंघानिया जी वर्तमान में तकरीबन 2 करोड़ स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपसे आपकी ओवरऑल सक्सेस स्टोरी जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि इतने बड़े एरिया को, यानी कि 2 करोड़ स्क्वायर फीट एरिया तक पहुँचने में आपको कितना समय लगा और कैसे आपने ये सफर तय किया। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन रायपुर हूँ और रायपुर की एक गलियों से वाकिफ़ हूँ और रायपुर में गंजपारा नेमीचंद गली है, बहुत पुरानी पुराना कस्बा है, वहाँ ही मेरी पूरी बचपन निकला है। और जो हम आज गानों में सुनते हैं, कागज़ की किश्ती और बारिश का पानी, बारिश के पानी के साथ में पूरा घर हमारा डूब जाता था और नाला भी ओवरफ्लो करती थी, नालियाँ ऊपर नालियाँ होती थी और उसमें भी हम वो कागज़ की किश्ती बना के एंजॉय करते थे और कंचे खेलते थे, साइकिल और मछलियाँ पकड़ने नहर में जाते थे। मुझे लगता है कि ये मेरे बचपन की जो थोड़ी मस्ती भरी परवरिश, तकलीफ़ भरी परवरिश, तकलीफ मतलब संसाधन ज़्यादा नहीं थे, मज़े पूरे थे, संसाधन ज़्यादा नहीं थे। आज हम देखते हैं कि बिना एसी के हमारे बच्चे रह नहीं पाते हैं, गर्मी में धूप में बाहर निकल नहीं पाते हैं, रेजिस्टेंस पावर बहुत कम है, एक दूसरे से मिलने जुलने में भी उन लोग हेजिटेशन करते हैं, अपना छोटा बड़ा ये सब भी देखते हैं, कौन से स्कूल कौन से कॉलेज, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट और थोड़ा लिमिटेड बना देती हैं। बट मुझे लगता है कि मेरे ये ही अपब्रिंगिंग ने, मेरे माता पिता ने, खासकर मेरी मॉम ने बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में ओपन हैंडेड रखा और हर चीज़ों में मुझे एक्टिव रहने के लिए मोटिवेट किया। तो दिस जर्नी वॉज रियली वंडरफुल, बचपन की जो मैंने आपको बताया। और उसके बाद में मुझे याद है अच्छे से, अभी भी क्लास 5th की गर्मी की छुट्टियां थी और मैं जैसा उद्यमी बच्चा घर में मस्ती कर रहा था, मेरी मस्तियों को देख के वो परेशान हुए उस दिन शायद क्या हुआ, और उनका एक तमाचा मेरा जीवन बदल दिया। मुझे लगता है कि उन्होंने क्लास 5th की छुट्टियों में मुझे बहुत ज़ोर से एक तमाचा मारा और बोला कि तुम जाओ जाके दुकान में बैठो, आप पूरे 2 महीना तुमको दुकान में बैठना है। तो उस समय मेरे नाम से आनंद प्रोविजन, आनंद लॉ सेंटर हुआ करता था निमिचंद अपना, ये बाबूलाल टॉकीज के पास मालवीय रोड में। तो जब वहाँ से मेरी, मुझे लगता है कि वो बिज़नेस के जो गुण या जीन्स वहाँ से डेवलप हुए और उसके बाद हर वेकेशन, सर गर्मी की छुट्टियों में अपने कॉलेज इंजीनियरिंग की छुट्टियां ख़त्म होने तक मैं पहले शॉप्स में बैठता था, फिर मारुति का शोरूम हुआ वहाँ बैठने लगा। तो ऐसी मेरा जर्नी था। तो मैं उस समय भी देखता था लोग किस तरीके से डील करते हैं और मेरे चाचा मेरे पापा कस्टमर्स को कैसे डील करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो एक हमारे रायपुर के लोगों में एक पोलाइटनेस है, एक अपनापन है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो संस्कार बिजनेस में कि अपनेपन से व्यवहार करें, बिजनेस करें और ऐसा बिजनेस करें कि सब लोगों के लिए विन विन हो, सब लोगों के लिए एक ऐसी स्थिति बने कि सब खुश हो, ऐसा ही नहीं कि केवल मेरा फायदा हो। तो मुझे लगता है वो भी संस्कार कहीं कहीं ना कहीं वहाँ से मिले हैं मुझे। सर, स्कूल और कॉलेज एजुकेशन आपकी कहाँ पर हुई थी? आई गॉट एडमिशन इन पिलानी राजस्थान, बिट्स पिलानी का स्कूल था ये जो। तो उस समय से ही दिमाग में था मेरे कि मैं इंजीनियर बनूंगा, तो बिट्स पिलानी के कारण एक अट्रैक्शन था कि 11th 12th अपन यहीं की स्कूल में पढ़ते हैं हॉस्टल में और फिर बिट्स का एक एनवायरनमेंट मिलेगा, इंजीनियरिंग का एनवायरनमेंट मिलेगा और इंजीनियरिंग करके फिर कुछ अच्छा काम शायद करें। 11th 12th होने के बाद में मैंने सब एग्ज़ाम्स दिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, और इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में एडमिशन हो गया मेरा। तो फिर दादाजी फिर से रोल में आए, उन्होंने कहा अब तू 2 साल वहाँ पढ़ा है, पता नहीं फिर बाद में वापस आएगा कि नहीं। मेरा एडमिशन US में भी हो गया था, US में 3-4 यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था, सेट टॉफिल वगैरह। उस समय एग्ज़ाम पता नहीं कैसे जुनून रहता था, उस समय ना इंटरनेट था ना पापा लोग इतने पेरेंट्स लोग इतने बच्चों पे फोकस नहीं करते थे, इतनी तैयारियां नहीं कराते थे, बट एक मोटिवेशन था, सेल्फ मोटिवेशन, दिल्ली के कंसल्टेंट से मिल के कैसे सेट के एग्ज़ाम टॉफिल के एग्ज़ाम दी जाए, US में डिक्शनरी डायरेक्टरी देख वगैरह के हम आइडेंटिफाई करते थे कि किस कॉलेज में एडमिशन हो। मुझे ऐसा लगता था कि जो बेस्ट पॉसिबल है वो एजुकेशन में लेके एक कुछ अद्भुत करूं, क्या करूं नहीं मालूम बट कुछ बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन मुझे लेनी चाहिए। तो पिलानी का चीज़, फिर उसके बाद में US की सोच और साथ साथ में मैंने फिर डेफिनेटली इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के भी यहाँ एडमिशन दिए थे। तो जब एडमिशन मेरे पास, मैंने इतना ज़्यादा किसी को डिटेल में बताया नहीं था क्योंकि मुझे लगा यार मेरे जैसे
का जो रायपुर में पढ़ा हुआ है सेट टॉफिल पहली बार में, अमेरिका की बात सोच रहा हूँ, अमेरिका में एडमिशन होगा नहीं होगा बाद में बताऊँगा। तो जब सब चीज़ें हो गई, एडमिशन लेटर्स आ गए चार चार कॉलेज के, तब मैं फिर से गया। मम्मी वॉज एक्साइटेड कि नहीं ठीक है जाओ बिल्कुल, लेकिन दादाजी से पूछ लो, दादाजी से पूछने गया। पापा भी एक्साइटेड कि नहीं बिल्कुल जाना चाहिए लेकिन दादाजी से पूछ लो। दादाजी के पास गया तो बोले यार तू किया तो बहुत अच्छा काम है बट बेटा तू सबसे बड़ा लड़का है, यू शुड बी एट होम यहाँ पे, और तू चले जाएगा तो बाकी बच्चे कैसे करेंगे और तू आएगा कि नहीं आएगा, उनका क्वेश्चन फिर वही। मुझे उनकी बातों में ऐसा लगा कि नहीं उनका एक्सपीरियंस है और उनकी सोच सही हो सकती है, शायद वहाँ जाने के बाद ऐसा माहौल होता होगा कि लोग आते नहीं होंगे, क्योंकि उस ज़माने में तो डेफिनेटली जो लोग जाते थे फॉरेन कंट्रीज़ वो वापस शायद आते नहीं थे क्योंकि हमारा देश काफ़ी पिछड़ा हुआ भी था। तो आई टुक द डिसीजन, आई वेंट विथ माई फादर इन माई ग्रैंड फादर्स डिसीजन कि यहीं पढ़ना है, यहीं करो जो तुम कर सकते हो। और रायपुर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। तो यहाँ से एक अलग जर्नी चालू हुई कॉलेज की जर्नी, और जैसा कि कॉलेज के नाम से सब एक्साइटेड रहते ही हैं, मैं भी एक एक्साइटेड युवा छात्र था। और इंजीनियरिंग कॉलेज चौबे कॉलोनी में, हम गंजपारा से चौबे कॉलोनी में शिफ्ट हो गए थे एक अलग घर में। तो फिर कॉलेज जाना चालू हुआ और सिविल इंजीनियरिंग मुझे बहुत अच्छी लगने लगी, मुझे ऐसा लगने लगा कि बड़ा कॉमन सेंस है इसमें, मतलब कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि हम पढ़ कुछ रहे हैं लेकिन देख ही नहीं पा रहे हैं, कोई एटॉमिक की बात नहीं है, कोई डिजिटल बात नहीं है, जो बात हो रही है सब सामने हम उसको साकार होता हुआ देख रहे हैं। उन दिनों में पापा का बिजनेस दिल्ली में था तो मेरा जाना दिल्ली होता रहता था साल में दो बार, तो वहाँ जाता था तो मैं दिल्ली गुड़गांव उसमें बहुत डेवलप हो रहा था, वहाँ की बिल्डिंग से बहुत मुझे अट्रैक्शन और एक ग्लैमर लगता था कि क्या अद्भुत बिल्डिंग्स हैं और हमारे रायपुर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है वहीं से मुझे एक फाउंडेशन डेवलप हुआ कि आई हैव टू डू समथिंग रिलेटेड टू दिस बिल्डिंग्स, और कुछ ऐसा काम करना है जो इन बिल्डिंगों से जुड़ा हो। सर, रियल इस्टेट इंडस्ट्री में करियर बनाने का फैसला आपने कब लिया? पापा के साथ में एक बार मुझे अंसल्स बिल्डर हैं दिल्ली के, बड़े फेमस बिल्डर हैं, और पापा ने कुछ प्रॉपर्टी वहाँ बुक कराई थी, उनके साथ जाने का मौका मिला। मैं ऑलवेज इंटरेस्टेड रहता था, बिजनेस से रिलेटेड आउटगोइंग रहता था कि कोई भी बात हो तो पूरी बात सुनना, समझना क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है, फिर उसके बाद में फिर पूछना कि क्या हो। तो पापा ने बिल्डर्स के पास जा रहे थे, मतलब मैं भी चलता हूँ साथ में, तो देखा तो मुझे लगा बहुत बड़ी सी ऑफिस थी और बिल्डर भी बहुत बड़े से कैबिन में बैठे थे और उनसे मिलना मुश्किल टाइप का लग रहा था, मैनेजर्स थे और वही सब डील कर रहे थे। तो मुझे बड़ा ऐसा लगा कि यार ये काम तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, मतलब बहुत अच्छे से काम हो रहा है और पेपर में भी एड्स आ रहे हैं और उनके प्रॉपर्टी भी सेल हो रही है और बिल्डर भी ऐसे हैं कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एटमोसफियर है, हर आदमी उनसे मिल भी नहीं पाता है, तो बड़े रिस्पेक्टेबल जॉब लगा मुझे देख के। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक दिन था जिस दिन दिमाग में बैठ गया था कि मुझे आई हैव टू बी अ बिल्डर लाइक दिस एंड डू समथिंग रिलेटेड टू बिल्डिंग्स। ऐसे ही धीरे धीरे कॉलेज का टाइम पास हो गया और मैं रवि भवन जब बन रहा था उस समय थर्ड ईयर में, तो यहाँ पे दो महीने आके टेप लेके पॉकेट में पूरे समय जाके दो महीना वहाँ कि कैसे बिल्डिंग बनती है, कैसे बनता है, काम कैसे होता है, किराया कैसे जाता है, प्लानिंग कैसे एग्जीक्यूट होती है, तो एक इंटरेस्ट तो डेवलप मुझे हो गया था और मुझे समझ में आ गया था कि नहीं मुझे इसी से रिलेटेड बिजनेस करना है। नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंजीनियरिंग ऐसा परिस्थिति बनी कि ISO 9000 लेना था, मारुति की डीलरशिप थी हमारी और वी वर द सेकेंड डीलर्स जिनको ये मिल सकता था। तो पूरे घर ने बोला कि यार ये पढ़ा लिखा एक ही लड़का आया है, उस समय मैं 23 साल का था, इसको दे दो, ये ISO वाली चीज़ अपने बस की नहीं है, वो ये अपने आप पढ़ेगा करेगा और करके ले आएगा। तो जब मुझे ऐसा बोला गया, मतलब ठीक है, और कोई घर में दिख भी नहीं रहा जो इसे कर पाए, तो मैं उसको लीड करने को तैयार हो गया। और फिर पूरा पढ़ा, कोई बेल्जियम से कोई ऑडिटर आने वाले थे जिसको ये पूरा ऑडिट करने वाले थे, तो सब लोगों में थोड़ा टेंशन था कि कैसे हम ये ISO क्लियर कर पाएंगे। अब रायपुर के लोग सीधे सरल होते हैं, इतने सिस्टमेटिक नहीं होते हैं, सिस्टमेटिक मतलब ISO में मेन चीज़ रहती कि सिस्टम प्रोसीजर SOPs बनाना रहता है। तो वो जब मुझे पढ़ा ऐसा ऐसा करना है तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा और दो महीने के अंदर बहुत अच्छी तैयारी उसकी हो गई। और दो महीने में मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो कितने सालों का एक्सपीरियंस, क्योंकि सब सीनियर मैनेजर्स जिनसे उन्हीं से सीख रहा था मैं, स्पेयर पार्ट्स कैसे जमाए जाते हैं, कैसे इशू होते हैं, कैसे ऑर्डर होते हैं, गाड़ियाँ कैसे डिलीवरी होती है, कैसे परचेज होती है, हर चीज़ के प्रोसेसेस बारीकियाँ,
मुझे 2 महीने के अंदर सीखनी थी और उसको पेपर में कन्वर्ट करना था, रिटर्न में प्रोसीजर्स डेवलप करने थे और ऑडिट होना था उसका। ऑडिट होने के बाद अगर हम ऑडिट में पास हो जाते हैं तो हम पूरे इंडिया के सेकेंड डीलर होते जो ISO सर्टिफाइड होते हैं। तो चैलेंजिंग था और ये चैलेंजेस मतलब मुझे बड़े एक्साइट करते हैं, बड़े इंटरेस्ट लाते हैं लाइफ में, ऐसा लगता है यस कुछ करने को मिला है। तो 23 साल की उम्र में इतना अच्छा चैलेंज मुझे मिला और 2 महीने के बाद में उसमें अद्भुत सफलता मिली। तो न केवल मेरे परिवार में लोगों ने बोला यार ये तो अच्छा काम करा लिया आनंद ने, बल्कि मारुति ने भी रिकॉग्नाइज किया कि एक यंग लड़का ये ऐसा काम कर लिया। तो वो बहुत मुझे मोटिवेट और एनकरेज किए सब लोगों ने कि आप मतलब बाकी सब डीलरशिप के भी मैं एक्टिव रोल में आ जाओ। और इवेंचुअली मैं आ भी गया, कॉन्फ्रेंसेज में जाने लगे, वहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन होता तो मुझे आगे कर देते और मैं प्रेजेंटेशन करने लगा। तो कोई भी एक 23 साल के युवा बैचलर को देखता है तो हर आदमी खुश होता है, प्रोत्साहित करता है। तो मुझे प्रोत्साहन मिलने लगा, अप्रिसिएशन मिलने लगा। तो अचानक एक दिन मुझे स्ट्राइक किया कि यार ये मज़ा तो बहुत आ रहा है इस काम में, वाइट कॉलर जॉब है और लोग लाइन लगा के, उस समय मारुतियों का डिमांड बहुत था। सर रियल इस्टेट इंडस्ट्री में जब अच्छा खासा काम आपका जम गया था, आप काफ़ी अच्छा कर रहे थे, ISO सर्टिफिकेट भी आपने ले लिया था, फिर रियल इस्टेट इंडस्ट्री की ओर आपने रुख कब किया? उस समय बिल्डर का काम, बिल्डर नाम उतना पॉपुलर नहीं था, लोग बिल्डर का काम, कंस्ट्रक्शन का काम को ठेकेदारी का ही काम समझते थे। तो मॉम ने भी वही बोला कि क्यों तुम इसमें जाना चाहते हो, इतना अच्छा इसमें कर रहे हो, और थोड़ा इनसिक्योर फील कर रही थी वो कि कहाँ से ये चालू कर पाएगा, धूप में खड़े होके काम कराना, मजदूरों से काम कराना, ये सब काम कहाँ तुम करोगे, अभी इतना अच्छा जमा जमाया काम है, तुम अच्छा कर भी रहे हो। बट मैं तय कर चुका था कि नहीं, मैं अपनी पढ़ाई को वेस्ट नहीं होने दूंगा, इतने सालों का जो मेरा सपना है उसे पूरा करूंगा और रियल स्टेट का कुछ काम करूंगा। पापा से बात किया तो पापा खुश भी हुए और उनको ऐसा लगा कि ठीक है बोल रहा है, कोशिश करने देना चाहिए। तो एक लैंड थी हमारी 2 एकड़ की, मारुति ऑटोमोबाइल्स, स्काई ऑटोमोबाइल्स जो है उसी के पीछे थी। तो उन्हें बोला ये लैंड है, इस पर तुम करना चाहो तो कर लो। एक दिन, दैट वाज अप्रैल फूल्स डे, 1 अप्रैल 1997, अच्छे से वो दिन मुझे याद है। उस दिन मैं उठा, सबको मैंने बताया कि मैं आज से मारुति का काम नहीं देखूंगा, आप मेरे से मारुति के रेट्स इसके बारे में कोई बात नहीं करना। मेरे 2-3 क्लोज फ्रेंड्स थे, उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आज से मैं ये काम देखने जा रहा हूँ। मेरा इंटरेस्ट इन सब लोगों को बोलने का ये था कि कमिटमेंट, अपने आप से तो मैं कमिट कर चुका था, अगर मैं 5-6 लोगों को कमिट कर दूंगा तो मैं आंसरेबल रहूंगा, कि इसलिए मैंने सबको कमिट किया। फिर वो 1 अप्रैल 1997 का दिन मुझे याद है। उस दिन मैंने मारुति में ही एक इतना ही, आपके स्टूडियो जितना ही केबिन था, उसी केबिन से 3 लोगों के स्टाफ के साथ में ये अविनाश बिल्डर्स का काम चालू किया और 11 मकान का प्रोजेक्ट हमने सबसे पहले परिकल्पना की उसकी और उसको स्टार्ट करने के लिए चालू किया। उस समय कुछ भी काम बिल्डर्स का मुझे मालूम नहीं था, मतलब कि कैसे रजिस्ट्रियाँ होती है, कैसे एग्रीमेंट बनते हैं और कौन सी प्लान अच्छा है, कौन सा प्लान अच्छा नहीं है। कॉलेज से पढ़े हुए कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं था, तो जो आर्किटेक्ट थे उनसे डिस्कस करना, वास्तु वालों से बात करना, इंटरेस्ट और इतना सब चीज़ों में था कि हर चीज़ों की डेप्थ तक जाने का मौका मिल जाता। और यंग था, हेजिटेशन कुछ था नहीं और गंवाने को बहुत कुछ नहीं था, क्योंकि छोटा सा काम चालू कर रहे हैं और सीखने को बहुत कुछ था और जो पढ़ाई की उसको भी इम्प्लीमेंट करने की बात थी। तो एक्साइटिंग बहुत था, जुनून बहुत था। और तो सब उस दिन से जो सफ़र चालू हुआ 11 मकानों का, और तो मालूम ही नहीं पड़ा वो 11 के बाद, फिर 111 वहीं पे हो गए और करीब 4 साल में हमने वहीं पे उसी जगह में 11 भी किए, फिर 11 के बाद फिर 11 चालू किए। और मेरे कॉलेज के प्रोफेसर मुझे बहुत, वहीं पे इंजीनियरिंग कॉलेज के पास में ही था, उन्होंने देखा जा कि आनंद सिंघानिया बना रहे हैं यहाँ पे, तो उनका स्टूडेंट है, तो उनको एक फेथ था मेरे में, वो मेरे ब्रांड एम्बेसडर जैसे काम किया उन्होंने। और वो जब 7-8 लोग उन्होंने वहाँ पे मकान ले लिया तो एक दूसरे को बताते बताते वर्ड ऑफ माउथ, उस समय तो बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं होती थी, पेपर ऐड नहीं होते थे, रेडियो ऐड नहीं होता था, होर्डिंग नहीं होता था ज़्यादा, तो अपने आप वर्ड ऑफ माउथ में 11 से 111 मकान कब बिके मुझे मालूम नहीं पड़ा। और इस बीच में शादी भी हो गई थी, तो रात में सब काम ख़त्म होने के बाद में वाइफ को ड्राइव पे लेके जाना हो तो मैं प्रोजेक्ट लेके आता था और प्रोजेक्ट में एक एक चीजों को ऐसा दिखाना कि देखो ये यहाँ ये बन रहा है, वहाँ ये बन रहा है, बहुत एक्साइटमेंट और जुनून, आई कैन नॉट फॉरगेट। और मुझे तो अपने पहले प्रोजेक्ट के एक एक कस्टमर्स याद हैं, खस्ता नंबर याद हैं, इतना ज़्यादा पैशन वाला समय था। तो ये प्रोजेक्ट जब एक ख़त्म हुआ तो दूसरा चालू हुआ, फिर तीसरा चालू हुआ, ऐसा एक सीरीज चलती रही। और कब 2007 आ गया,
मालूम नहीं पड़ा, मतलब एक डिकेड खत्म हो गया मेरे कंस्ट्रक्शन की लाइफ का, मेरे रियल स्टेट लाइफ का एक डिकेड या एक इनिंग खत्म हो रही थी। सर, मैग्नेटो मॉल बनाने का आइडिया आपको कब आया, और हम ये जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मॉल की स्टोरी क्या है? 2007 में मुझे रियलाइज हुआ कि नाउ वी आर एस्टैब्लिश ग्रुप इन छत्तीसगढ़, और काम भी हम कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, ऑफिसेज बना रहे हैं। बट अगेन फिर जो मुझे एक चैलेंज लेने का एक हमेशा शौक रहता है, इंटरेस्ट रहता है, वो चीज़ की कमी फिर दिख रही थी। मुझे लगा यार कुछ चैलेंजिंग कुछ करना चाहिए, कुछ नया और करना चाहिए, तो क्या नया कर सकते हैं? तो मैं अपने छोटे ब्रदर मुकेश के साथ में, मुकेश भी इस बीच में बिजनेस ज्वाइन कर लिया था, वो भी सिविल इंजीनियरिंग किया था, तो हम लोग दिल्ली गए, गुड़गांव गए, तो मॉल फिर हमने देखा कि बहुत 98 में नए नए मॉल्स बन रहे थे और बहुत ज़बरदस्त चार्म था, एस्केलेटर था वहाँ पे, मल्टीप्लेक्स थिएटर्स थे, तो ये सब चीज़ें मुझे लगा कि रायपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। हमारा शहर, हम हमेशा अपने शहर को थोड़ा कम आँकते हैं, हमको लगता है यार हमारा शहर तैयार नहीं है, या गलियाँ छोटी हैं, रोड छोटे हैं, लोग यहाँ पे उतने एजुकेटेड नहीं है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था ऐसा है नहीं, मतलब यहाँ पे हर चीज़ का पोटेंशियल है, यहाँ के लोग बड़े एंटरप्राइजिंग हैं, बड़े मेहनती हैं और सोच ज़बरदस्त है, तो मुझे लगा यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ करनी चाहिए। मॉल बनाने की एक रिक्वायरमेंट है, मॉल बनना चाहिए यहाँ पे, और न केवल मॉल बट ऐसा मैं मॉल जो रायपुर की पहचान बने और जो एक अंतर्राष्ट्रीय मॉल के रूप में देखे, लोग कहीं जब आए तो वो यहाँ आके सेल्फी खिंचाएं, उनको ये लगे नहीं यार हमारा रायपुर शहर किसी से कम नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा लिखा था शुरू से, और जब भी कहीं बाहर जाता था तो कभी लोगों को बोलो कि आप रायपुर से हैं तो लोग पूछते थे कहाँ है रायपुर, बिहार में है, कोई बोलता था उड़ीसा में है, तो मुझे तकलीफ होती थी बहुत कि हमारे शहर की पहचान ही नहीं है और मैं उस शहर से हूँ जहाँ जिसकी कोई पहचान नहीं है, तो कई बार ऐसा लगता था लोगों की ज्योग्राफी ख़राब है कि हमारा शहर ही कमज़ोर है। तो ये भी एक था कि ऐसा कुछ किया जाए कि शहर को लोग पहचानें और शहर का पोटेंशियल एक लगे, तो मुझे ये मॉल का बहुत अट्रैक्ट किया है, एल्यूर किया। और मुकेश और मैं वापस फिर आने के बाद सोचे कि क्या करना है, घर में डिस्कशन हुआ कि इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, अभी तक हम जो कर रहे थे वो सब तो एक सामान्य प्रोजेक्ट्स थे, ये प्रोजेक्ट में पूरे स्टेक घर का लगने वाला था और बहुत एम्बिशियस था, और लेकिन चूंकि अब तक घर वालों को काफ़ी मुझ पर कॉन्फिडेंस आ गया था और कि नहीं आनंद बोल रहा है तो कर ही लेगा, ये लगा रहता है, मेहनत करता रहे, और अभी तक सब प्रोजेक्ट अच्छे चल रहे हैं, तो लोगों ने घर में पूरे पापा ने, चाचा ने, सब ने विश्वास जताया कि नहीं कर लेंगे प्रोजेक्ट। तो हमने लोन वोन लेके इस प्रोजेक्ट को पूरा मूर्त रूप दिया। एक साल बाद 2008 में अचानक से एक रिसेशन आ गया, लेमन ब्रदर्स वाला जो यूएस में हुआ, और वो रिसेशन ऐसा आया कि पूरी वर्ल्ड हिल गया। उस रिसेशन में रायपुर भी इम्पैक्ट किया, इंडिया इम्पैक्ट किया, इंडिया में सब मॉल्स के कंस्ट्रक्शन बंद हो गए, अचानक बात होने लगी कि मॉल्स तो सिर्फ वीकेंड्स में चलते हैं, सैटरडे संडे को ही सिर्फ मॉल चलते हैं, बाकी टाइम चलते नहीं हैं, रेंटल्स नहीं मिल रहे थे लोगों को, रेंटल्स कम होते जा रहे थे। तो इस रिसेशन की स्थिति में हम लोग ऑलरेडी काफ़ी पैसा लगा चुके थे, हमारा 2 बेसमेंट कंस्ट्रक्ट हो गया था, ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, देयर वॉज नो लुकिंग बैक का सिनेरियो, और बैंक से भी हमने लोन लिया, लोगों से भी लोन लिया, हमारी पूरी सेविंग इसमें लगा दी, पूरे स्टेक्स लगा दिए। ऐसी स्थिति में फिर एक बड़ा चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर बन गया, जो अभी तक हम इंटरेस्टिंग और एंजॉय कर रहे थे, जिस चीज़ों को अभी तक पूरी सक्सेस दिख रही थी, एक साल के अंदर ही वो थोड़ा सा बेझिल, क्या बोलना चाहिए, बहुत तकलीफदायक एक स्थिति बन गई कि जहाँ से हम पीछे भी नहीं हट सकते, पैसे भी बहुत लग गए हैं और सक्सेस करना वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दिख रहा था। तो अब एक साल हो चुका था, 2008 की बात आ गई थी, अब हम क्या करें उस स्थिति में आ गए। फिर से मैं, मुकेश, घर में भी हम लोग ने सबने डिस्कस किया, एंड देन फिर वी वेंट टू सम ऑफ द गुड प्लेसेस, लाइक फिर हम दुबई गए, सिंगापुर गए, यूएस भी जाना हुआ कि वहाँ मॉल्स कैसे चल रहे हैं, लोग मॉल्स को किस तरह से ले रहे हैं, और दिल्ली बॉम्बे में भी कौन कौन से मॉल चल रहे हैं। तो एक चीज़ समझ में आई कि हम ऐसा कुछ डिज़ाइन करें जिसमें मंडे टू फ्राइडे फुटफॉल, हमारा शहर तो ऐसा था कि जहाँ वीकेंड के नाम से आधा संडे मिलता था, लोग उस समय संडे भी आधा काम करते थे, तो और बड़े शहरों में सैटरडे संडे का 2 दिन का वीकेंड होता था, तो ऐसी स्थिति में मॉल चलना लगभग असंभव था। तो फिर हमने उसमें कॉन्सेप्ट में एक ऐसी चीज़ समझ में आई कि हम ऐसा कुछ डिज़ाइन करें कि मंडे टू फ्राइडे भी यहाँ पे कैप्टिव फुटफॉल रहे। ये चीज़ जब क्लिक
मिस्टेक हुई तो मुझे एकदम से अंदर से ऐसा एक स्ट्राइक किया कि नहीं यार ये चीज़ तो जस्टिफाई लग रही है। अब ऐसी अगर हम मॉल बनाते हैं जिसमें नीचे दुकानें हों और ऊपर में ऑफिसेज हों और होटल हो और ऐसा इंटीग्रेटेड हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर मार्केट करने जाते हैं तो एक जस्टिफाइड लगता है कि जो लोग ऑफिसेज में काम कर रहे होंगे शाम के 6 बजे जब घर जाएंगे तो अपनी सब्जियाँ भी यहीं से ले लिए या रोज के रोज़मर्रा की ज़रूरतें वहाँ पर पूरी कर लें या फिर कोई बर्थडे पार्टी करना हो या शादी की सालगिरह हो ऑफिस में लेट नाइट तक लेट इवनिंग तक काम कर रहा है आदमी अपनी फैमिली को वहीं बुला ले और वहीं रेस्टोरेंट में उस चीज़ को सेलिब्रेट कर ले। तो बहुत अपील कर रहा था पूरा कॉन्सेप्ट तो वो हमने फिर फाइनली तय किया कि लेट्स डिज़ाइन अ मॉल जिसमें मॉल भी हो ऑफिसेज हो होटल हो। तो अब जब हम वापस रिटेलर्स के पास गए उस मंदी में 2008-09 में तो लोगों को जब ये बताया कि आवर मॉल इज़ अ डिफरेंट मॉल इट्स अ मॉल विच विल हैव कैप्टिव फुटफॉल ऑन मंडे टू फ्राइडे नॉट ओनली ऑन वीकेंड्स बट ऑन मंडे टू फ्राइडे ऑल्सो पीपल विल बी देयर टू शॉप। और जब उन्होंने कॉन्सेप्ट देखा तो एवरीबडी लाइक्ड इट और उन्होंने देखा यार एक यंग सा लड़का खुद ओनर उस समय जो मॉल बनाने वाले सब बड़े बड़े डेवलपर होते थे जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज थी पुराना एक्सपीरियंस था बड़ी सिटीज में काम कर रहे थे और एक छोटे से शहर का यंग सा लड़का मार्केट करने आ रहा है खुद पैशनेटली पूरा प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहा है तो somehow लोग बात बन जाती थी। 5 फरवरी 2010 फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन मॉल ओपन होना था और बहुत ग्रैंड लुक जैसा हमने विजुलाइज किया था आइकॉनिक टावर के साथ में जो लोग दुबई जाके फोटोज खिंचाते थे सेल्फी खिंचाते मुझे लगता था ये लोग यहाँ पे आके करेंगे तो एक बहुत सपना साकार होता हुआ दिखा मॉल। और 2 साल के अंदर में मतलब वी रिसीव द बेस्ट मॉल ऑफ ईस्टर्न इंडिया CNBC आवाज़ ने ऑल द वे सिंगापुर बुला के हमको अवार्ड दिया एंड आई थिंक दैट वॉज the day which brought tears in my eyes. मुझे लगता है कि लाइफ में अब कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप इतना काम करते हैं आपको स्ट्रेस नहीं होता क्या? मुझे लगता है अगर if you love your work you don't have to work for a single day. सर जैसा कि आपने बताया कि आपने 2 एकड़ से अपने काम की शुरुआत की थी तो वर्तमान में आप कितने एरिया में कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं और कितने एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम जारी है? अभी लगभग 1 करोड़ स्क्वायर फुट हम कंप्लीट कर चुके हैं और लगभग 1 करोड़ स्क्वायर फुट पे हमारा काम चल रहा है तो लगभग 2 करोड़ स्क्वायर फुट पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और 18 प्रोजेक्ट्स अलग अलग लोकेशन पे चल रहे हैं। सर आपको बिजनेस का काफ़ी लंबा अनुभव है, आपसे जानना चाहते हैं कि वर्तमान में जो यंगस्टर स्टार्टअप कर रहे हैं वो कहाँ पर गलती कर रहे हैं और सक्सेस के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए स्टार्टअप में हम थोड़ा सा अगर इसके बैकग्राउंड में और समझें तो आज कहीं ना कहीं ये होड़ है कि जल्दी पैसा बनाना है, एक कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कोई कंपनी लॉन्च करना है कोई कॉन्सेप्ट लॉन्च करना है और बहुत ही जल्दी उसकी वैल्यूएशन यहाँ से यहाँ पहुँचा देना है, उसको बेचना है, फिर किसी और कंपनी को पकड़ना है, फिर उसकी वैल्यूएशन पहुँचाना है, फिर कहीं और करना है, यही स्टार्टअप का दौर चल रहा है। ये थोड़ा एक बार सोचने की ज़रूरत है, स्टार्टअप इज़ गुड, इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट बट द पॉइंट इज कि अब हम चाहते क्या है। बिफोर स्टार्टअप बिफोर थिंकिंग ऑफ स्टार्टअप वी नीड टू वेक अप, आप जागिए पहले कि आप चाहते क्या है करना, आप पैसा कमाना चाहते हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं। मतलब आप आज स्टार्टअप में देखता हूँ मैं कोई कंपनी जिसकी वैल्यूएशन जिसमें 50 करोड़ की भी पूंजी नहीं लगी हो 100 करोड़ की भी पूंजी नहीं लगी हो 2000 करोड़ की कंपनी बन जाती है और पता नहीं अचानक जैसा कि आपने कहा तीसरे दिन बंद हो जाती है, तीसरे दिन मालूम पड़ता है कि वो कंपनी वापस 50 करोड़ पर पहुंच गई है, जो लागत लगी थी उससे भी कम पैसा मिल रहा है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हम चाहते क्या है करना और स्टार्टअप केवल नाम का स्टार्टअप नहीं रहे, उसमें हम डिफरेंस और इम्पैक्ट क्या क्रिएट करते हैं सोसाइटी में वो इम्पॉर्टेंट है। आज देखा देखिए आज मैक्सिमम लोग देखा देखिए उन्होंने एक ट्रैवल पोर्टल बनाया हम भी ट्रैवल पोर्टल बना लिए, उन्होंने मेडिकल पोर्टल बनाया हम भी मेडिकल पोर्टल बना लिए। आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जो इतनी चीज़ें लाइफ में जो डिफरेंस क्रिएट करें बिटवीन यू एंड द अदर वन। और आज न केवल स्टार्टअप एक डिजिटल मीडियम बन जाए बट इसके साथ में ब्रिक एंड मोर्टार इज इम्पॉर्टेंट, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम अच्छे से करें और अपने आप को टाइम दें, आप हम आज का यूथ क्यों इतनी जल्दी में मुझे नहीं मालूम, थोड़ा अपने आप को टाइम दें, आप अपने आप को टाइम दें मतलब अपने प्रोजेक्ट को अपने कॉन्सेप्ट को और उस पर थोड़ा रिसर्च करें, न केवल इंटरनेट पर 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा 2 दिन बैठ के आप रिसर्च पूरी नहीं होती, आज उस रिसर्च पे आप नेशनल लेवल पे ग्लोबल लेवल पे रीजनल लेवल पे रिसर्च पे टाइम दें, बेसिक्स को ध्यान दें, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें,
यू विल डेफिनेटली गेट अ सक्सेस। सर आखिरी में आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि स्टोरिस्तान किससे कामयाबी के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं समझता हूँ स्टोरिस्तान ये है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, छत्तीसगढ़ के लोगों की स्टोरीज आप लोगों को दिखाएंगे तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे कि हमारे शहर के हमारे प्रदेश के लोग की ये सक्सेस स्टोरीज हैं तो कुछ पिक कर पाएंगे। और मेरी शुभकामनाएं, आपने एक अच्छी शुरुआत की, एक हम्बल बिगनिंग है एंड आई एम श्योर कि पूरे इंडिया में इसका इस कॉन्सेप्ट को सराहा जाएगा और स्टोरिस्तान पूरे इंडिया में फेमस रहेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी पूरी जर्नी हमसे शेयर की। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आनंद सिंघानिया जी को। आनंद सिंघानिया जी ने बचपन से लेकर अब तक की अपनी पूरी सक्सेस स्टोरी हमसे शेयर की। बचपन में उनके घर में पानी भर जाता था लेकिन आज वो तकरीबन 2 करोड़ स्क्वायर फीट एरिया में कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। मैग्नेटो मॉल जहां पर छत्तीसगढ़ का हर आदमी जाना चाहता है वो उन्हीं का बनाया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी सक्सेस स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारा ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।